वीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं विश्व की जो महत्वपूर्ण प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग भारत की प्रमुख जातियाँ जनजातियाँ बात कर लेंगे, ठीक है। और हम अपने यहाँ किस अनुच्छेद में पड़ता है, कौन से अनुसूची में हम देखते हैं जनजातियों को, इन सबको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो फिलहाल इसमें हम लोग अभी विश्व को देख रहे हैं, तो विश्व की जनजातियों को कवर करेंगे और भारत में क्या सीन रहेगा वो हम लोग भारत वाले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसमें हम लोग शुरू करते हैं। तो बात जनजातियों से पहले जो विश्व का पूरा लोगों का जो एक समूह है किस हिसाब से बटा हुआ है, फिर जातियां, फिर उसकी उपजातियां बदलती जाती हैं, तो मुख्यतः विश्व को कितने जातियों में बांटेंगे हम लोग, चार। सबसे पहले ये बताइए मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ था। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में मनुष्य का उद्भव होता है। और हम विश्व में जो भी लोगों का डिवाइडेशन है कि ये इस प्रकार से दिखते हैं वो उस प्रकार से, तो टोटल वो चार जातियों से बिलोंग करते हैं। फिर उनकी उपजातियां हम कह सकते हैं, संकरण वाली भी तो बात होती है ना, संकरण वाली बात हम लोग बाद में समझेंगे। तो इसमें क्या है, चार प्रमुख जो है जातियां, जिसमें निग्रोडाइड, आस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड, फिर काकेशियाई जो सबसे बड़ी समूह है, ठीक है ना। काकेशियाई सबसे बड़ी समूह पाई जाएगी। और हो गया, इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे उपजातियां। फिलहाल ये चार प्रकार की जो है विश्व की जो जातियां हैं चार ही हैं, ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर देते हैं बिना लाग लपेट के विश्व की प्रमुख जनजातियां। ये थोड़ी सी स्लाइड ठीक नहीं लगेगी देखने में, मैनेज करिए, जहाँ पे स्टार बनाता जाऊँगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, वैसे याद सबको करना है, प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं विश्व की जनजातियां और जो क्षेत्र किस देश में पड़ता है। कई बार महाद्वीप से नाम पूछ लेता कि किस महाद्वीप में पड़ेंगे, तो वो भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले एस्किमो, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की हुई है, एस्किमो ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं शर्मा जी, एस्किमो कहाँ पाई जाएंगी। एस्किमो पाई जाती हैं कनाडा वाले क्षेत्र में, जो अलास्का का क्षेत्र है, टुंड्रा वाला क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी। तो कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में हम देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, सालों साल बर्फ जमी रहेगी। तो ये लोग बर्फ से क्या याद रहेगा, इग्लू के बारे में बहुत बार प्रश्न बना है, तो इग्लू बनाने वाली जो जनजातियाँ हैं वो कौन सी हैं, एस्किमो ही हैं। इग्लू का मतलब अर्धवृत्ताकार बर्फ का घर, उसी में वो रहते भी हैं। फिर लैप्स या लैप्सा कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, या हम शामी भी कह लेते हैं, तो ये यूरोप के ही टुंड्रा वाले, यूरोप का टुंड्रा वाला प्रदेश, यानी कि हम ध्यान से देखें तो डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन वाला जो क्षेत्र पड़ता है उसके ऊपर वाला क्षेत्र है ना, वो पड़ जाएगा लैप्सा। उसके बाद समोएट्स, ये एशियाई का टुंड्रा वाला प्रदेश है, तो टुंड्रा, जब भी टुंड्रा कहूँगा तो ये समझ लीजिए बर्फीले क्षेत्र, ठीक है ना, जो 60-70 अक्षांश के ऊपर पड़ेंगे, ठीक है, 90 के आसपास वाले क्षेत्र वो सब टुंड्रा में आ जाएंगे, है ना। और स्पेशली टुंड्रा कह दिया जाए तो ये वाला क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव का, समझ रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तातार, तो तातार कहाँ पाया जाएगा, साइबेरिया, उज्बेकिस्तान, इस वाले क्षेत्र में। मैप दिमाग में जो है चल रहा होगा, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से, तो आप समझ जाएंगे साइबेरिया वाला क्षेत्र, जो आमतौर पर साइबेरिया कहाँ पड़ता है, रसिया वाले क्षेत्र में, है ना, रसिया का 66.5 के आसपास का क्षेत्र साइबेरिया होता है। तो साइबेरिया, उज्बेकिस्तान, इन क्षेत्रों में तातार नामक जनजातियाँ पाई जाती हैं। माओरी, माओरी पाई जाती हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, माओरी न्यूजीलैंड, कई बार ये प्रश्न बना है, माओरी कहाँ पाई जाएंगी, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड कहाँ होता है, दक्षिणी ध्रुव के पास, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बगल में, ठीक है ना। फिर एबोर्जिन्स, एबोर्जिन्स है ना, ये पश्चिमी व मध्य ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन होते हैं, एबोर्जिन्स, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे बंटू पर, तो बंटू कहाँ पाए जाएंगी, दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र, ये पाए जाएंगी मंटू, ठीक। आती है जुलू, ठीक है, तो जुलू किस क्षेत्र में, ये भी दक्षिण अफ्रीका का नटाल प्रांत होता है वो, है ना, तो दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र, उसमें जनजाति जो पाई जाएगी जुलू, और फिर सेमांग जनजाति, ये भी ध्यान रखिएगा, मलेशिया वाले क्षेत्र में सेमांग जनजाति पाई जाती है, अर्थात एशिया में, है ना, एशिया महाद्वीप में पड़ेगी। पुनान, पुनान जो है बोर्नियो द्वीप पर, ठीक है, पुनान जो जनजाति होगी बोर्नियो द्वीप पर, और बुशमैन, ठीक है,
बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बन जाता है बुशमैन से कि वह कौन सी ऐसी जनजाति है जो चावल के रूप में किसका इस्तेमाल करती है, दीमक का। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। हाँ, दीमक खाती हैं चावल, जैसे चावल बनाना है तो वो दीमक इकट्ठा कर ले, वही चावल है, मस्त एकदम। जैसे चाइनीज लोग प्रोटीन का जो ज़्यादा रिसोर्सेज जो है, सबसे तगड़ा रिसोर्सेज प्रोटीन का क्या है, कॉकरोच वगैरह। चाइनीज लोग पॉपकॉर्न की जगह पे कॉकरोच खाते हैं, वैसे ये लोग बेचारे दीमक खाते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो बुशमैन ध्यान रखेंगे कालाहारी मरुस्थल में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में, समझ रहे ना। फिर यूकागिर, ये साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी यूकागिर जनजाति। बोरा, बोरा जो है दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन में बोरा जनजाति पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये सारी की सारी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जो स्टार बना रहा हूँ वो ज़्यादा ध्यान रखना आपको। तो दक्षिण अमेरिका वाला जितना भी अमेजन का क्षेत्र पड़ता है उसमें बोरा नामक जनजाति पाई जाती है। बद्दू भी महत्वपूर्ण है, ये अरब प्रायद्वीप में, अरब वाले क्षेत्र में बद्दू जनजातियाँ पाई जाती हैं। आमतौर पर तो जो बद्दू जनजातियाँ हैं वो जानवर वगैरह पालती हैं और वो चराती रहती हैं इधर उधर, यायावर रहती हैं। यायावर मतलब क्या होता है, इधर उधर टहलते रहना, है ना। इतिहास के समय काल में भी हम लोग शुरू में देखते हैं कि कुछ जनजातियाँ जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मंगोल थे वो भी यायावर हुआ करते थे। तो बद्दू कहाँ रहेंगे, अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में, जो हमारा पश्चिमी एशिया का क्षेत्र पड़ता है ना, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं बद्दू। ठीक है, आइनू, आइनू जो है जापान में, ये नाम से याद हो जाएगा, आइनू टाइप का जापान, ये महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, इसको सही कर दीजिए, उसको सही से थोड़ा थोड़ा जो है टिल्ड कर दीजिए, नहीं तो पता फिजिकल खराब हो जाएगा, उसको भी सीधा कर दीजिए उधर, थोड़ा ध्यान से रहो भाई, फिजिकल भी देना आप लोगों को, है कि नहीं, वो हवा चल रही है। तो आइनू जापान, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जनजातियाँ जापान में नहीं पाई जाती जो है उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हॉट एंड, ये कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना वाले क्षेत्र में पड़ेगा, फिर से अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, कजाक जो जनजातियाँ, ये मध्य अफ्रीका, याद रखने का कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कजाकिस्तान वाला क्षेत्र याद रखेंगे, कजाक जनजाति, कजाक जनजाति कजाकिस्तान, इससे याद हो जाएगा ना, मध्य एशिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे फिन्स, फिन्स वह जनजाति, ये यूरोपीय टुंड्रा में पाई जाती है, गाउचो, ये उरुग्वे और अर्जेंटीना पंपास वाले क्षेत्र में। तो पंपास क्या है, घास के मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, पंपास कैंपास, ये हम प्रेरी, ये सब घास के मैदान भी हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछता है। ठीक है, और घास के भी कितने बड़े मैदान होते हैं, 10-10 मीटर, 15-15 मीटर की घास होती है, सोचिए, है ना, मतलब कल्पना करिए, हाँ, हमारे जंगल से भी बड़ा है ना, 4-5 मंजिले की जो है घास होती हैं। वैसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जैसे हमारे क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे बड़ी घास कौन सी होती है, बांस, है ना, बांस भी क्या है, एक घास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो गाउचो उरुग्वे, जो उरुग्वे प्रागवे वाला क्षेत्र पड़ता है, तो उरुग्वे और अर्जेंटीना का जो क्षेत्र पड़ता है पंपास क्षेत्र में, ये गाउचो पाई जाती है। हेमाइट्स, ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाएगी, हेमाइट्स। खिरगिज जनजाति, ध्यान रखेंगे खिरगिज, ये भी मध्य एशिया वाले क्षेत्र में पड़ेंगी, जब इतिहास पढ़ेंगे और मध्यकाल इतिहास पढ़ेंगे, है ना, उसमें खिरगिज जनजातियों की चर्चा हम देखते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपने भारत के दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे होते हैं, तो खिरगिज जनजाति ध्यान रखिएगा मध्य एशिया में। किकियू, ये केन्या वाले क्षेत्र में है, किकियू याद रख लेंगे, किकियू केन्या, थोड़ा सा ऐसे ही है ना, सिमिलर साउंड। मसाई जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, मसाई जनजाति ये भी अफ्रीका वाले क्षेत्र में पड़ेगी और ये पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में, और ये मुख्यतः क्या करती हैं, पशुपालन करती हैं, और पशुपालन के लिए बहुत बड़े बड़े से बाड़ा बनाती हैं, उसमें पशुपालन करते हैं, मतलब इनका काम जो है, और हालांकि बहुत ज़्यादा दुधारू पशु नहीं होते हैं इनके पास, उस समय की बात कर रहा हूँ अब पता नहीं, लेकिन मसाई जनजाति जो है पशुपालन करती है, किस वाले क्षेत्र में, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में, अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। पिग्मी जनजातियाँ, पिग्मी ये जायरे वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी, कांगो बेसिन में, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और
पिगमी जनजातियाँ ये पेड़ों पर घर बनाती हैं, ठीक है, पेड़ों पर घर बना कर रहती हैं। जायरे, जायरे जो आमतौर पर नदी ही है जो दो बार भूमध्य रेखा को काटती है, जो जायरे देश के नाम पे भी है ना, कांगो या जायरे नदी भी होती है, तो कांगो बेसिन में ये पाए जाते हैं पिगमी, ठीक है, पिगमी जनजातियाँ। पपुआंस, तो पपुआंस हो जाएगा निगुनी वाला क्षेत्र। रेड इंडियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बताया था वैसे याद होगा आप लोगों को, रेड इंडियंस कहाँ पाए जाने वाली जनजाति हैं, उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको वाले क्षेत्र में, अगर देश का नाम पूछे तो मेक्सिको ये ध्यान रखेंगे। और कल्पना करिए जैसे अभी बड़ी चर्चा चल रही है अनुच्छेद एक तो याद ही रखेंगे, जिसमें क्या है भारत क्या है उसके बारे में चर्चा है ना, तो एक यूनियन है, ठीक, भारत एक क्या है, यूनियन है, और उसमें उसमें जो चर्चा हुई है तो इंडिया और भारत की चर्चा चल रही थी ना, तो अब देखिए इंडियन जो है हमें कोई दूसरा बोला है ना, और इंडिया का कोई मतलब अर्थ तो है नहीं, ठीक है, तो अच्छा है भारत हुआ तो अच्छा ही है, क्या नुकसान है उसमें, और होना ही चाहिए भारत, ठीक है, भारत कम से कम ये तो है कि हमारे यहाँ के शासक थे दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा है ना, इंडिया क्या पड़ा है, इंडिया तो हमें गुलाम बना के, इंडियन का कोई मतलब नहीं। देखिए नाम बदलने का मतलब आपका कोई नाम दे देगा, जैसे मान लीजिए किसी का नाम बहुत बढ़िया हो, ठीक, और वो कहीं नौकरी वोकरी करने जाता है या तो उसको क्या छोटू कहने लगते हैं रामू वामू ऐसा कुछ छोटा छोटा सा नाम देते हैं, बड़ा सा नाम है छोटा सा नाम दे देंगे, है ना, तो ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी हुआ था। तो इंडियन में रेड इंडियंस ये जनजाति है जो मेक्सिको में हम देखते हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ध्यान रखेंगे, प्योरली पूछ लेगा तो मेक्सिको वाला क्षेत्र। तो इंडिया और भारत वाला जो कंट्रोवर्सी है वो भारत होना अच्छा है। वेद्दा जनजाति ये श्रीलंका में पड़ेगी, ये जनजातियाँ जो है श्रीलंका में, ठीक है, जापान और श्रीलंका ज़्यादा है नहीं तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद ओस्तयाक, तुंगु, याकतू, चुकची और कोरियाक, ये सब के सब टुंड्रा वाले क्षेत्र में ही पड़ती हैं, ये पूरा थोड़ा सा ज़्यादा है एक साथ, ओस्तयाक, तुंगु, याकूत, चुकची, कोरियाक, ये सभी के सभी एशियाई टुंड्रा, एशिया टुंड्रा वाला मतलब सीधा रसिया वाला क्षेत्र, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना दबाव में तनाव में नहीं रहेंगे कि बहुत पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण है जो पढ़ने हैं। फुलानी, ठीक है, तो ये नाइजीरिया क्षेत्र, नाइजीरिया हो गया, गुआना, माली, तो ये सारे के सारे अफ्रीका के पश्चिमी वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, तो फुलानी ये ध्यान रखेंगे। कालमिक्स, ये मध्य एशिया में पड़ेगी, कालमिक्स, ठीक है, मध्य एशिया का मतलब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद वाला जो क्षेत्र पड़ता है मध्य एशिया में आ जाएगा, है ना, कदाक वगैरह। हौसा, ये नाइजीरिया और नाइजर वाले क्षेत्र में, हौसा जनजाति। फलाह कृषक, ये नील नदी की घाटी में ये रहती हैं, ठीक है, याद रखने का तरीका यही है, फलाह कृषक अगर दे देगा तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नील नदी का जो है वरदान हम किसको कहते हैं, मिस्र को, यानी कि वरदान खेती के लिए ही तो कहा जा रहा है, तो कृषक नाम से आ जाएगा, तो नील याद रखेंगे, ठीक है, नील नदी घाटी वाला क्षेत्र। अफरीदी, अफरीदी जो है पाकिस्तान में, याद रखने का बहुत आसान तरीका है, शाहिद अफरीदी, है ना तो ये जनजातियाँ हैं, हाँ सचमुच, तो और अब अभी समय नया लड़का क्या नाम है, शाहिन शाह अफरीदी, उसी का दामाद है, हाँ बड़ा फॉर्म में चल रहा भाई, तो याद रखेंगे शाहिन शाह अफरीदी या शाहिन अफरीदी पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ की जनजाति है। मग्यार, मग्याग हंगरी वाले क्षेत्र में पड़ेगा, है ना, हंगरी यूरोप वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, मग्यार। माया जनजातियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्टार है इसमें, मेक्सिको में माया, रेड इंडियंस, ये कुछ महत्वपूर्ण अभी तो इस तरीके से है, और भविष्य में हो सकता है मैं मैप के साथ देश का कितने एक देश में है वो सब, अगर बहुत ज़्यादा व्यापक कवर करना होगा तो किया जाएगा, वैसे बहुत ज़्यादा आपको व्यापक नहीं पढ़ने की ज़रूरत है तो इसलिए बहुत ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ। बोअर जनजाति, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका वाले देश में ही पड़ेगी, ये देश है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, महाद्वीप का तो बात ही नहीं है, तो सीधा बोअर, ठीक है। अब कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास हम देख लेंगे जिन्हें हम कहते हैं जनजातियां, हो गई, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कबीलाई जो कबीले वाले होते हैं, मतलब जनजातियों की बात, तो आल, आल जो होता है यह यूरोप के काकेकेस
पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मानव प्रजाति का आवास है और सामान्यतः यह पत्थरों से बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑयल। ठीक है ना, इग्लू की चर्चा हो रही थी। यह टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ का एक अर्धवृत्ताकार घर होता है, प्रश्न बना है इसीलिए उसको स्पेशली रखा गया है। इस्बा, इस्बा यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तरी रूस वाला क्षेत्र बात हो रही है, यानी कि समझिए टुंड्रा वाले बात क्षेत्रों की बात हो रही है। तिकोनी रंगीन लकड़ी की दीवारों से बना एक मानव आवास, उसे हम क्या कहते हैं? इस्बा। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बन जाता है तो इसलिए इसको रखा गया है। अब क्राल, क्राल बनाती हैं कुछ जनजातियाँ, ठीक है ना, तो क्राल यह अफ्रीका के बाटू नेटाल जो दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में पड़ते हैं कि जुलू जो प्रजातियां वे घास से निर्मित मानव आवास बनाती हैं, तो जुलू जनजातियां हम लोग पढ़े ही पढ़े थे, ठीक है, तो क्या बनाती हैं? क्राल बनाती हैं। और क्राल क्या होता है? घास का ऐसा झोपड़ा, झोपड़ी वाला ही होता है लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है ना, तो उसे हम क्राल कहते हैं। तीपी या राकी पर्वत जो अमेरिका में है के पूर्वी भाग में निवास करने वाले रेड इंडियंस द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास होता है जिसे हम तीपी कहते हैं। ठीक है, अम्बू तंबू टाइप का जो घर बनता है या लकड़ी का घर बनता है वो वहीं बनता है जहाँ पर क्या है? बर्फ है। आप देखिएगा जितना भी यूरोप, यूरोप वाले क्षेत्र के लोग हैं अमेरिका में, आप ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में देख सकते हैं, रसिया वाले क्षेत्र में, तो वहाँ लकड़ी के घर और स्पेशली घर कैसे होते हैं इस टाइप के, वहाँ ऐसे छत नहीं बने होते हैं क्योंकि बर्फ जमेगा तो समस्या बढ़ जाएगी, है ना, तो आमतौर पर इस तरीके के घर बनते हैं। तो तंबू भी, टीपी जो है टीपी से तंबू बनाते हैं कौन? रेड इंडियन। ठीक है ना, उसके बाद यूर्थ या मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी जिसे हम किर्गिज जनजातियाँ कहते हैं, किर्गिज, कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं को की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है। तो मैं पहले ही कहा था कि आमतौर पर यायावर होती हैं। यायावर किसकी चर्चा हो रही थी? कजाक वगैरह, है ना, किर्गिज, कजाक और कालमुख, तो किससे बनाती है? पशुओं की खालों से, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूर्थ कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं है, कुछ ये महत्वपूर्ण ये टॉपिक था, इसको आप देख लेंगे। और यदि ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए तो आप लोग भी बताइएगा और आप भी कमेंट करिएगा, मैं पूरा मैप के साथ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होगा वो, क्योंकि सभी जनजातियों को एक एक देश इंडिविजुअल रखना होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। लेकिन इसको आप एक से दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सारे इसमें रखे गए थे, समझ रहे ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।